हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं बनाने जा रही थी सूखी मिर्च से बनी हुई चटनी से एक सब्जी। एक तरह से चटनी भी बोल सकते हो और सब्जी भी। तो हम तो यहाँ इसको छूक के खाते हैं, मतलब कि एक तरह से चटनी ही बोलते हैं मेरे यहाँ तो। उसके लिए मैंने ये सब कट किया है। इसमें है प्याज, मिर्च, टमाटर, आल और ये एक चटनी जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिससे ये बनेगी सब्जी। तो मैंने इसके अंदर अभी जीरा ऐड कर दिया है तेल के अंदर। और अभी जीरा थोड़ा सा तड़क जाए उसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। तो जीरा थोड़ा थोड़ा तड़कने लग गया। तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। अब प्याज को थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा भूनेंगे अभी तो। और उसके बाद मैं इसमें मिर्च डाल दूंगी। अब मिर्च डालने के बाद इसको कुछ देर के लिए छोड़ेंगे हल्का ब्राउन होने तक। ज़्यादा देर अगर छोड़ते हैं तो मिर्च जल जाएगी। तो थोड़ी देर मैंने इसको हल्का ब्राउन किया और अभी मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे और जब थोड़ा सा टमाटर पक जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर कुछ और ऐड करेंगे। अभी मैंने इसके अंदर आल भी ऐड कर दिया है थोड़ी देर पकाने के बाद। आल की वजह से बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है सब्जी की। कोई भी सब्जी हो अगर आप इसको ऐड करते हो तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। मैंने इनको मिक्स करके थोड़ी देर पकाया। उसके बाद मैं अब इसके अंदर थोड़ा सा धनिया, सूखा धनिया डालूंगी। अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं क्योंकि जब ये लाल चटनी बनती है तो नमक डलता है तो ज़्यादा हो जाएगा। अभी मैंने हल्दी ऐड किया और मिर्च की ये चटनी है तो हमें लाल मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको थोड़ा सा मिला के और उसके बाद इसको थोड़ा पकने देंगे। देखो ये चटनी का कलर देख के ही मुँह में पानी आ जाएगा आपका। तो मैंने इसके अंदर पहले से पानी ऐड कर दिया था चटनी के अंदर और अभी इस पानी को डालेंगे ताकि मसाले के अंदर ये मिक्स हो जाए और अच्छे से पक जाए मसाला। और सच बताऊं तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसको ऐड कर देंगे चटनी को। मैंने यहाँ एक कटोरी चटनी ली है, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी बंदे हों उस हिसाब से आप बना सकते हो। पर इसके अंदर आप ज़्यादा नमक ना डालें। नमक ये मिर्च जब बनती है चटनी तो पहले ऐड कर दिया जाता है तो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने इसके अंदर अभी चटनी डाल दी। अभी मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी और इसको पकने दूंगी। मैंने इसको अच्छे से मिला दिया, मसाला भी सही से पक जाएगा। अब कुछ देर इसको ऐसे ही पकने देंगे और फिर देखते हैं। तो चटनी तैयार है, आपको देखने से ही पता चल जाएगा तो ये खाने में कितनी टेस्टी होगी। तो लाइक करना ना भूलिए। बाय बाय।